करता हूँ मेरी ऑनलाइन साइंस क्लासेस के अंदर। तो आज का टॉपिक जो 10th क्लास हम करने जा रहे हैं, दैट इज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है जो एनर्जी बनाते हैं बाय ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको हम बोलते हैं उनके अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है। पर मैं पहले पिछली वीडियोस के बारे में बात करना चाहूंगा जहां हमने बात की थी एनरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एनरोबिक रेस्पिरेशन में आपने क्या पढ़ा? एनरोबिक रेस्पिरेशन में आपने पढ़ा कि जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है किसके अंदर? अल्कोहल के अंदर या लैक्टिक एसिड के अंदर इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो जरूरी भी है पर इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी के लिए कम मतलब बहुत ज्यादा हानिकारक है और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज भी नहीं करता। ठीक है, स्केलेटल मसल हमारी क्रैम्प आ जाता है, फैटिगनेस आ जाती है। और अगर कोई आपसे पूछ ले व्हाट आर द यूजेस ऑफ फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन यूज कहाँ होता है? नंबर वन इन द बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज होता है। नंबर टू यूज होता है बेवरेजेस बनाने के लिए, बेवरेजेस में आ जाते हैं अल्कोहल, बियर। ठीक है, तो ऐसे वाइन और अल्कोहलिक चीजें बनाने के लिए हम फर्मेंटेशन का यूज करते हैं। अभी बात करने जा रहे हैं हम एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। जरा बोर्ड पे देखिए, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज। तो एरोबिक में क्या कहा था आपने कि ये क्या हो रहा था? इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा था। अब यहाँ पे जो ग्लूकोज है बहुत कंप्लीट है, यानी हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी टॉक्सिक सब्सटेंस बचे रहने की संभावना नहीं है जब कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो गया। और एनरोबिक में कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं, हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस बच जाते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए हानिकारक भी है। तो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू CO2 और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ चली जाएगी? हम क्या कर देंगे? एक्सहेल एक्सपिरेशन के थ्रू बाहर निकाल देंगे, वाटर वेपर हमारी बॉडी यूज कर लेगी और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या रिलीज करेगी? बहुत ही ज्यादा एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन कितनी जरूरी है यहां से आप इस चीज को समझ सकते हो, क्योंकि मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। दोनों टॉपिक को कंपेयर करके देख लीजिए। सो प्लांट मोर ट्रीज, क्योंकि जो ऑक्सीजन को रिलीज करे एटमोसफियर के अंदर वो प्लांट लगाने जरूरी है। उससे आप एक्सरसाइजेस करिए, बाहर और टहलने जाइए, ठीक है, फ्रेश एयर को ब्रीथ करिए मॉर्निंग में, जो आपको ज्यादा से ज्यादा शक्ति देगी, इम्यूनिटी देगी बीमारियों से लड़ने की जो जरूरत भी है। सो ग्लूकोज जो है 6 कार्बन कंपाउंड है, वो किसमें टूट जाएगा? पाइरूवेट और या फिर हम क्या बोलते हैं पाइरूविक एसिड, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किसमें टूट जाएगा? CO2, वाटर एंड रिलीज एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ स्टोर हो जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। ये सेल ऑर्गेनेल है जहां पे एनर्जी स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ ATP और जिसको हमारी टिश्यूज यूज करती है फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, सांस लेना, चलना, दौड़ना, हार्ट बीट का पंप होना, ब्लड का पंप होना, इनमें सारी एक्टिविटीज में जो एनर्जी यूज होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो एक बात और आपको बताना चाहूंगा कि जो एनर्जी एरोबिक रेस्पिरेशन में रिलीज होती है वो मैनी टाइम्स मोर होती है एज कंपेयर टू एनरोबिक रेस्पिरेशन के। सो मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज देखिए कि आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, एनरोबिक या एरोबिक रेस्पिरेशन। मैं तो कहूंगा एरोबिक रेस्पिरेशन जरूरी है, क्योंकि मेरी बॉडी फ्रेश रहेगी, मेरा वेट नहीं बढ़ेगा, मेरी बॉडी एकदम हेल्दी रहेगी। और अगर मैं हेल्दी रहूंगा तो मैं वेल्थ भी कमा पाऊंगा। और ये सही बात भी कही हुई है, हेल्थ इज वेल्थ। और हेल्थ है तो वेल्थ है, अगर हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कहाँ से मिलेगी, यानी पैसा कहाँ से लाओगे? हर कोई जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है, पर अपने शरीर के लिए अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी नहीं निकाल सकते, अपने शरीर की जो नीड है यानी ऑक्सीजन उसको नहीं दे सकते, तो हम इससे ज़्यादा क्या कहेंगे कि हम अपनी बॉडी का कितना अच्छा ख्याल रख रहे हैं। कॉस्मेटिक यूज कर सकते हो, ये चीज़ें कर सकते हो, पर अपनी बॉडी को ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकते हम। तो इस वेरी बैड कि हम अपने यंग जनरेशन को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं। तो प्लीज बी फोकस, एनरोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर थकावट भरती है और एरोबिक रेस्पिरेशन आपकी बॉडी के अंदर फ्रेशनेस लेके आती है और आपको हेल्थ ही बनाए रखती है। तो स्टे हेल्दी। चलते हैं जरा आगे, इनको कंपेयर करके देखते हैं एरोबिक एनरोबिक, आप कौन सा रूट लेना चाहोगे, जरा ध्यान दीजिए। प्यारे बच्चों, अगर आप कहोगे सर कौन सा रूट हम सिलेक्ट करें, तो 3 रूट हमारे बनते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, पेपर में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से तैयार भी करना है। और एक जिंदगी के लिए मार्क्स जरूरी भी नहीं बनते इतने ज्यादा जितना आपके हेल्थ बनती है।
हेल्थ रहेगी तो आज आप हेल्थ का महत्व मुझे कहने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए। आज हर कोई अपने आप को वायरस से बचाने की जद्दोजहद में लगा हुआ है। किसी को लिए मार्क्स पैसा ये कोई मैटर नहीं करता। इस समय मैटर क्या कर रहा है कि आपका हेल्थ बना रहे। अगर हेल्थ होगी तभी तो आगे बढ़ पाएंगे, तभी तो हम जिंदगी बना पाएंगे। सो रूट किसके होते हैं? बसों के होते हैं। तो आप देखिए किस बस में बैठना चाहते हो। ऐसी बस जो आपको हेल्थ प्रोवाइड करेगी, या ऐसी बस जो आपको डिजीज से भर दे, बीमारियों से भर दे। एक के अंदर बीमार लोग बैठे हैं, एक के अंदर हेल्दी पर्सन बैठे हैं, कौन सी बस में आप जाना चाहोगे वो आपको सोचना है। मुझे नहीं सोचना, मैं तो बता सकता आपको कि आपके लिए कौन सी बस बेस्ट रहेगी। जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे जो ग्लूकोज है, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन में हम क्या करें, ग्लूकोज ब्रेकडाउन के बारे में बात कर रहे हैं। जो ग्लूकोज है साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पाइरुवेट, और पाइरुविक एसिड भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? पाइरुविक एसिड, आप फुल फॉर्म लिख लोगे। तो यहाँ से पाइरुवेट तीन रास्तों पे, यानी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में डिवाइड होता है। अगर बात करें एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर लाइक ईस्ट बैक्टीरिया, इसमें क्या बनती है? इथेनॉल बनती है। ईस्ट इथेनॉल बनाता है, CO2 बनाता है, और क्या रिलीज करता है? लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी पनीर कर्ड हमें इतनी एनर्जी नहीं देते, पर जो पनीर है वो खाना भी जरूरी है, पर इतना मत खाइए कि वो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर दे, पेन क्रूज करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि वो क्या दे रहा है? इथेनॉल ही प्रोवाइड कर रहा है। 2 कार्बन कंपाउंड आपको दे रहा है फ्रॉम 6 कार्बन कंपाउंड से। अगर ये तो हो गया एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारी बात करते हैं तो हमारे अंदर जो हमारी मसल्स हैं, उन मसल्स में अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस है, ऑक्सीजन नहीं है, तो लैक्टिक एसिड हमारी बॉडी में रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा, और साथ में क्या मिलेगी? बहुत ही कम एनर्जी। कई बच्चे गेम पे लगे रहते हैं, सारा दिन मोबाइल सामने रहता है, टक 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 पबजी या कोई और गेम खेलते रहते हैं, पर उनको ये नहीं पता कि आप अंदर बैठ गए, जितनी ऑक्सीजन एक कमरे में कितनी ऑक्सीजन होगी? आप अपने आप से पूछिए, कितनी देर के लिए आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, कितनी ऑक्सीजन यहाँ पे होगी? अगर मैं कहता हूँ पूरा कमरा ऑक्सीजन से भरा पड़ा है, तो भाई आप 4 घंटे से उस रूम में पड़े हो, 4 घंटे से आप उस रूम के अंदर पड़े हो, क्या ऑक्सीजन और मिलेगी आपको? जो मैंने पिछली वीडियोस में भी कहा था, बाहर सो के देखिए और अंदर सो के देखिए, आपको डिफरेंस अपने आप नजर आ जाएगा। सेम यहाँ पे आपकी मसल्स क्या बना रही है, उस समय लैक्टिक एसिड बनाना स्टार्ट करें, क्योंकि मसल्स को तो एनर्जी चाहिए, कैसे भी चाहिए, ऑक्सीजन की अब्सेंस में बनाएगी और फ्रेंस में बनाएगी। तो ऑक्सीजन की अब्सेंस में क्या रिलीज करेगी? लैक्टिक एसिड, और ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा? बीमारी, यानी हमारे अंदर थकावट आ गई, मसल बिल्कुल ऐसे हो जाएगी डल एकदम, और आपके क्रैप्स आने शुरू हो जाएंगे, उंगलियां पेन करने, ज्वाइंट्स पेन करना, क्योंकि ज्वाइंट में से ग्लिसरॉल खत्म हो चुका है, ठीक है, लुब्रिकेंट खत्म हो गया है, हमारी मसल्स अच्छे से मूव नहीं करें, गर्दन में कहेंगे सर्वाइकल हो गया। तो ये सर्वाइकल क्यों हो रहा है भाई? क्योंकि आप एक्सरसाइज ही नहीं करते, ठीक है, दौड़ते ही नहीं हो, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन लगते ही नहीं हो। कभी भी आप खाना खाते हो, खाना खाया और धूप बेड में आप सो जाते हो, जो सबसे बैड हैबिट होती है, ठीक है। जब भी आप खाना खाते हो, कम से कम 100-200 कदम आपको चलने चाहिए। अगर 100-200 कदम आप चलते हो, आपकी बॉडी को ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से खींचना स्टार्ट करती है, और फूड को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देती है, यानी ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करना स्टार्ट कर देती है, और कौन सी रेस्पिरेशन हो जाती है? एरोबिक। और ये दोनों कौन सी रेस्पिरेशन है? ये रूट वन और रूट टू की बात करूँ, ये कौन सी रेस्पिरेशन है? एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही है, जो हमारी बॉडी के लिए इतनी ज़्यादा ठीक भी नहीं है, ठीक है। और अगर बात करो एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर रिलीज हो जाएगा, जो पौधे यूज कर लेंगे, वाटर वेपर जो हमारी बॉडी यूज कर लेगी, और मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया में इन द फॉर्म ऑफ ATP स्टोर हो जाएगी, जो मैं आगे भी पढ़ाऊंगा आपको। तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? इट इज द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो यही आपने आंसर लिखना और ये डायग्राम बनाना और इसको एक्सप्लेन करना है। तो